हाल ही में जो आप उसमें संसद में गए हैं, क्या कुछ मुद्दे सिरसा के रखे गए? सिद्धा सिरसा के मैंने बहुत से मुद्दे जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जो है रखने की कोशिश की। मैंने बहुत से सवाल जो हैं उसमें पूछे हैं। 20 तारीख को भी मेरा स्टार क्वेश्चन लगा हुआ था, 21 तारीख को भी मेरा स्टार क्वेश्चन लगा हुआ था, लेकिन विपक्ष जो है वो जिस तरह से चलने नहीं दे रहा है, तो मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि मैं अपने इलाके के बहुत से मुद्दे जो हैं वहाँ पर जो सही तरीके से, आप देखिए कि सवाल अगर आपका लगता है तो बड़ा वो एक बैलेट सिस्टम होता है, उसके तहत आपका सवाल उसमें लगता है। बड़ी मुश्किल से 545 के करीब हमारे सांसद हैं और वो जब अपने सभी सवाल जो हैं अपने डालते हैं तो लॉटरी सिस्टम से आपका नंबर आता है, तो बड़ी किस्मत से जो है नंबर आता है। और उसमें भी अगर आपको मौका ना मिले संसद के अंदर अपनी बात रखने का, अपने इलाके की बात रखने का, तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी जो क्योंकि सवाल मैंने पूछे थे और ये स्टार क्वेश्चन थे, तो उनके रिप्लाई मेरे पास जो हैं वो मंत्रीगण के आए हैं और उसके तहत मैंने अपने इलाके में जैसे जो होम मिनिस्ट्री है उसमें मैंने पूछा है उनसे कि कितना पैसा डी एडिक्शन सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए जो है केंद्र से हमारे राज्य के अंदर आया है और ख़ासकर सिरसा के अंदर कितना आया है, इसके बारे में मैंने जानकारी हासिल करी है। इसके अलावा जो है बहुत से ऐसे सवालात हैं, अगर मैं आपको बताऊं एक एक करके, मैंने पूरी डिटेल में आपको उसके बारे में दे सकती हूं कि जो जो सवाल मैंने वहां पे पूछे हैं। मैंने घग्गर के बारे में खास ये सवाल किया है कि जिस तरह से जो जल शक्ति मंत्रालय है वो जो बहुत सी नदियां ऐसी हैं जहां पर ये रहता है कि कभी ना कभी यहां पर बाढ़ आ सकती है, तो उसमें किस तरह से हम उसको जो है उसकी रोकथाम कर सकें पहले से ही, ताकि हमारी जनता को जो है वो नुकसान ना हो, उनको दिक्कत ना आए। तो इसके बारे में भी मैंने सवाल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लगाया है कि हमारी जो घग्गर नदी है इसको हम किस तरह से इसको पक्का कर सकते हैं या क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं कि इससे जो है अगर कभी बाढ़ की स्थिति बने तो हमारी जनता को जो है वो नुकसान ना हो। ये सवाल भी मेरा उसके अंदर था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो क्योंकि पार्लियामेंट विपक्षी दल जो है वो चलाने नहीं दे रहा है, तो उस चक्कर में मेरा सवाल ये हो नहीं सका। इसके साथ साथ मैंने NCC के बारे में कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो हैं वो हमारे सिरसा लोकसभा के अंदर एक भी सेंटर नहीं है उसका, हमारे नज़दीक में हिसार लगता है उसमें 4 सेंटर है। तो ये सारी जानकारी मैंने हासिल करके कि पूरे हरियाणा के अंदर कितने हैं, मेरी लोकसभा के अंदर कितने हैं, तो मुझे पता लगा कि मेरी लोकसभा में एक भी नहीं है। तो मैंने डिमांड करी है कि 4 जो हैं वो NCC के जो हैं सेंटर हमारे सिरसा के अंदर होने चाहिए और 2 मेरे फतेहाबाद ज़िले के अंदर होने चाहिए, हमारे दोनों ज़िलों के अंदर एक भी नहीं है। तो मैंने डिमांड करी है 6 की, तो देखते हैं उसमें से कितनी हमारी पूरी होती है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मेरी लोकसभा में क्या चीज़ की कमी है, वही चीज़ को मुझे कोशिश रहती है कि मैं लोकसभा के अंदर उस बात को उठाऊं और मंत्री जो हैं उन लोगों से मैं बात करके और उसको पूरा करने की कोशिश करूं। इसके साथ साथ मैंने रेलवे के बहुत से सवाल जो हैं वो उठाए हैं, क्योंकि मैंने माननीय मंत्री जी से 20 तारीख को ही रेलवे मंत्री जी से मैंने मुलाकात की और उनसे मैंने अपने सभी जो मेरे इलाके की जितनी भी डिमांड्स थी वो मैंने सब की सब उनके सामने रख दी और एक एक करके मैंने अधिकारियों के साथ और उनके साथ बैठकर डिस्कस भी की और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो भी हो सकता है काम वो करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैंने उनको ये कहा कि देखिए जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने कहीं ना कहीं जो है वो नई रेल लाइन बिछाई है, लेकिन मेरी लोकसभा के अंदर एक भी नई रेल लाइन नहीं बिछी है। तो मुझे अभी जो भी फिजिबल हो सकता है, जो भी पॉसिबल हो सकता है, आप वहाँ पर नई रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश करें, जिसमें मैंने एलनाबाद से सिरसा और उकलाना से नरवाना और आपका हिसार से अग्रोहा होते हुए फतेहाबाद, ये 3 नई रेलवे लाइंस की मैंने मांग करी है। वो फिजिबिलिटी कैसे होती है, सर्वे कब कब होगा, कैसे होगा, लेकिन ये कि अगर आप सवाल ही नहीं उठाएंगे तो वो पूरा कैसे होगा। जैसे मुझे बहुत हैरानी हुई कि आज तक पहले कभी किसी सांसद ने जो है ये कोशिश ही नहीं की कि हमारे यहाँ पे NCC के सेंटर्स नहीं है। अब मैंने जब ये पूरी जानकारी हासिल की है तो मुझे पता लगा कि ना फतेहाबाद में एक भी है और ना ही सिरसा में एक भी है। तो जब तक आप जो है इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक आपको ये पता नहीं लग सकता कि आपकी लोकसभा में क्या कमियां हैं और वो कैसे दूर की जा सकती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक एक करके सारी कमियों को जो है वो पहले चेक करके और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर रखकर मंत्रियों से उसको पूरा करवाऊँ। की बात की जाए तो इन दिनों जो UPA है या अब दूसरा जो नाम उसका हो गया है इंडिया, वो आजकल उसमें गठजोड़ की जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है, NDA को हराने के लिए प्रयास सब कुछ कर रहे हैं, क्या लगता है कि 2024 में वो ऐसा कुछ कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने इंटरनेशनल जो है वो कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर, देखिए कितने हमारे वहाँ पर आपने देखा होगा कि ट्रेड फेयर लगता है,
कितने इंटरनेशनल लेवल के हमारे वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उस तरह की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत मंडपम ये नाम रखते हुए वहाँ पर इतना सुंदर कन्वेंशन सेंटर बनाया कि जिसके अंदर कम से कम भी 10 से 12 हज़ार की कैपेसिटी एक बार में लोगों के वहाँ पर बैठने की है। तो एक तरह से पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हिंदुस्तान की हो रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत विश्वास है, उनके काम पर बहुत विश्वास है। गरीब आदमी के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से किसान समृद्धि केंद्र वहाँ पर जो है सभी किसान भाइयों को बुलाकर, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किस्त जो है वो जारी की, और किसान समृद्ध केंद्र जो है उसको हम किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पर हम क्या क्या और कर सकते हैं, ये सब जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। हमारे किसान भाई जो हैं हमारे, जहाँ पर अभी पूरे, अगर मैं बात करूँ पूरे हरियाणा के अंदर जितने किसान समृद्ध केंद्र हैं वो एकदम से सब चार्ज हो गए हैं। मेरी सिरसा लोकसभा के अंदर भी जितने किसान समृद्ध केंद्र हैं उसके अंदर जो है ये जो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, तो उसका लाइव हमने सभी किसान भाइयों को वहाँ पर जगह जगह किसान समृद्ध केंद्र पर दिखाया। अब किस तरह से वहाँ पर खाद भी उपलब्ध होगी, वहाँ पर बीज भी उपलब्ध होगा, वहाँ पर सीएससी सेंटर भी बनेगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं जिस तरह से हमारी सरकार में हो रही हैं ये इससे पहले आज तक कभी नहीं हुई। जैसा कि मैंने अपने बारे में भी बताया कि मेरी सिरसा लोकसभा में आज तक कभी किसी ने यही नहीं देखा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की कमी है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। उसी तरह से पहले की सरकारों ने कभी यही नहीं देखा कि जो ऐसे केंद्र बनाकर छोड़ दिए उन केंद्र को हम किस तरह से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में 2024 के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये अलग अलग नाम देकर विपक्ष के दल जो इकट्ठे आने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं, तो उसमें उसके जितने भी घटक दल हैं वो उनसे इस बात पर नाराज चल रहे हैं। तो इनकी आपस के अंदर ही कोई तालमेल नहीं है और इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनका सिर्फ अपने आप से मतलब है कि ये किस तरह से सत्ता में आएं और सत्ता में आकर ये सत्ता की मलाई खाएं, इसी के अलावा इनका कोई सरोकार नहीं है। मणिपुर कांड पर क्या कहेंगे? देखिए बहुत दुखद घटना है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है, लेकिन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर 2 बार ये बात कही है कि मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप चर्चा करवाइए। लेकिन वो संसद के अंदर चर्चा करवाने के लिए ही तैयार नहीं है। जब वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री जी की बनती है और वो खुद 2 बार कह चुके हैं कि मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा, तो चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो कंसर्न मंत्री होता है, जो कंसर्न मंत्रालय होता है, वही भली भांति इसके बारे में बता सकता है कि वहाँ जो घटनाएँ हो रही हैं उसके पीछे का कारण क्या है और उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सब के बारे में अगर कोई बता सकता है तो वो गृह मंत्रालय बता सकता है। तो जब हमारे आदरणीय अमित भाई शाह जी तैयार हैं तो क्यों जो है विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है और क्यों उस पर चर्चा नहीं करवाने दे रहा है, ये बात हमारी समझ से परे है। आपके कार्यकाल को भी 4 साल हो गए, कितनी उपलब्धि आप सिरसा लोकसभा से मानते हैं? दूसरा, संसद में आपने कितनी बार तक सवाल उठाई? अगर आप इसमें सवाल उठाने की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप डिटेल जाएंगे संसद के उसके ऊपर तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि कितने मैंने सवाल उठाए हैं, कितने डिबेट्स के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया है, कितने 0 आवर के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया है, कितने 377 मैंने लगाए हैं, कितने बिल जो हैं उनके ऊपर मैंने चर्चा की है। तो ये सब डिटेल्स जो हैं आपको उसमें लग जाएंगी। बाकी मैं भी आपको एक एक करके पूरा डिटेल निकाल के उसमें, क्योंकि कोई भी ऐसा सेशन नहीं होता जिसके अंदर मैं सिरसा की आवाज़ को ना उठाती हूँ, कोई भी ऐसा सेशन नहीं होता जिसके अंदर किसी ना किसी बिल के ऊपर मैं चर्चा नहीं करती हूँ। 0 आवर में तो मुझे मौका मिल जाता है तो मैं तुरंत प्रभाव से अपने इलाके की जो भी ज्वलंत इशू होते हैं उसके ऊपर मैं बात उठाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो आज तक जितने भी सांसद सिरसा लोकसभा से हुए हैं आप उन सब के सवालों को इकट्ठा कर लें और सिर्फ मैंने जो सवाल किए हैं आप उनको इकट्ठा कर लें तब भी मेरी संख्या उनसे ज़्यादा मिलेगी आपको। उन सब को एकत्रित कर लें, आप उन सब को एक तरफ कर लें और मुझे अकेले को आप एक तरफ कर लें तब भी जितने सवाल मैंने पूछे हैं उनकी संख्या आपको उनसे ज़्यादा मिलेगी। आपके कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियाँ रही? क्या करें? उपलब्धियाँ रही। देखिए उपलब्धियाँ यही हैं कि सिरसा लोकसभा को आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाने लगा है। संसद के अंदर सबको मालूम है कि सिरसा लोकसभा कहाँ पर है, सिरसा लोकसभा में क्या क्या दिखते हैं।
मैं जहाँ कहीं पर भी जिस भी मंत्रालय में किसी भी मंत्री से मिलती हूँ तो मैं सिरसा लोकसभा की सभी समस्याओं को उनके समक्ष रखती हूँ और बहुत सी समस्याओं को हम धीरे 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 पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और इसी कड़ी में जैसा मैंने आपको बताया कि हम अगर बात करें जैसे NH में यहाँ पर जिस तरह से हाईवेज बने हैं, जो हाईवे ये आपका हिसार से लेकर सिरसा तक जो बना उसमें जगह जगह पर जो फ्लाईओवर्स बने हैं उसकी वजह से जो बाढ़ की स्थिति है उसके अंदर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। नहीं तो अर्बन एरिया के अंदर ये पानी इतनी ज़बरदस्त तरीके से आ सकता था कि जान माल की बहुत नुकसान हो सकता था। चार जो है यहाँ पर हमने धांगड़ के अंदर, बड़ोपल के अंदर, दरियापुर के अंदर और एक खराखेड़ी के अंदर ये चार जो है फ्लाईओवर बने हैं, ये हमारी उपलब्धि है। इसके साथ साथ ट्रेन्स की हम बात करें, गोरखधाम ट्रेन को हम लेकर आए, मैं खुद उसके अंदर जो है वो दिल्ली से यहाँ पर सफ़र करती हूँ यहाँ से, और इतनी आरामदेह उसका सफ़र है। अब मेरी कोशिश एक और नई कोशिश मेरी एक और क्या है कि मैंने नोटिस किया कि ये जो गोरखधाम ट्रेन आती है ये पूरा बिल्कुल फुल आती है, तो एक कलोन जो है ट्रेन और चलाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी है कि कलोन ट्रेन में क्या होता है कि जो ट्रेन चल रही होती है बिल्कुल वैसी ही ट्रेन एक थोड़ी सी देर के बाद उसके पीछे पीछे चलती है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे यात्री जो हैं कुछ उसके अंदर छूट जाते हैं या कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा रश उसमें होता है, तो वो कोशिश ये कर सकते हैं कि कोई बात नहीं थोड़ी देर के बाद दूसरी ट्रेन आने वाली तो क्यों ना हम उसमें चलें। तो मेरी कोशिश ये है कि अब ये गोरखधाम की कलोन ट्रेन चलनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो अमृत स्टेशन के अंदर मेरी लोकसभा के हमने जो पहले बात करी थी उसमें तीन जो है स्टेशन आ रहे थे, मंडी डबवाली का स्टेशन, सिरसा का स्टेशन और नरवाना का स्टेशन, ये तीन स्टेशन अमृत स्टेशन में आ रहे थे। और ये आप देखना दिसंबर तक काफ़ी कुछ इसके अंदर बदलाव आपको जो है स्टेशन में नज़र आएगा। लेकिन जब मैंने आग्रह किया कि मेरी लोकसभा बहुत बड़ी है उसमें केवल तीन आपने जो है इसमें से चिन्हित किए हैं, ये बहुत कम है, तो उसके बाद अब कालांवाली का स्टेशन भी उसमें आ गया है, इसके अलावा आपका भट्टू का स्टेशन भी उसके अंदर आ गया है, और एक तीसरा स्टेशन भट्टू का और कालांवाली का, ये दो स्टेशन उसके अंदर और आ गए हैं। तो अब आप देखिए कि मेरी लोकसभा के अंदर अगर मैं बात करूं तो पांच स्टेशन जो है अमृत स्टेशन में आ गए हैं, और सिरसा आप देखना धीरे धीरे इसका बिल्कुल कायाकल्प आपको नज़र आएगा रेलवे स्टेशन का। प्लेटफॉर्म नंबर तीन जो है उसके लिए भी टेंडर वेंडर की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर वाटर हाइड्रेंट उसकी भी जो है वो टेंडर वेंडर की प्रक्रिया जारी है बहुत जल्द, क्योंकि अगर यहाँ पर वाटर हाइड्रेंट बनता है तो यहाँ पर लंबे रूट की गाड़ियाँ जो हैं वो और ज़्यादा आने लगेंगी। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश है कि जो सिरसा से चंडीगढ़ ट्रेन है उसको मैं किसी भी तरह से शुरू करवा सकूं। एक साउथ इंडिया की तरफ जो है कनेक्टिविटी के लिए एक ट्रेन की जो है बात चल रही थी, तो उसमें मेरी कोशिश थी कि उसको हम एलनाबाद डब्वाली से होते हुए फिरोजपुर तक लेकर जाएं, तो वो अभी कोशिश जारी है। और इसके अलावा भी जयपुर से जो हिसार की ट्रेन है उसको हम एक्सटेंड करें सिरसा तक, ताकि जयपुर के लिए भी हमारी कनेक्टिविटी बने। ये सब मेरी कोशिश है, जितना इसमें से पूरा हो पाता है वो देखते हैं, नहीं तो जो है फिर अगली बार करेंगे बाकी के काम। बाढ़ में 10,000 एकड़ से ज्यादा फसल जो है वो खराब हो गई है, जी कुछ लोगों के घरों में दरार है, जी जी फसलों का भी काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, तो आपके सीएम साहब से बात हुई है, क्या मुआवजा कब तक उनकी सहायता? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सीएम साहब से लगातार इसके बारे में बात होती रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वे किया था, उस दिन भी शाम को जो हमारा एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर बैठकर सभी जो है फतेहाबाद जिले के अधिकारी और सिरसा जिले के अधिकारी और मैं भी वहाँ पर उपस्थित थी, उस समय भी पूरी चर्चा हुई। इसके अलावा दिल्ली के हरियाणा भवन के अंदर भी जो है अभी एक दो दिन पहले ही मेरी माननीय मुख्यमंत्री से फिर से चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एकदम से जैसे इमरजेंसी में जो ज़रूरत पड़ती है पैसे की, जिसके अंदर के हम चाहे जैसी भी प्रोवाइड करने की बात करें, पॉकलेन प्रोवाइड करने की बात करें, जो मिट्टी के कट्टे होते हैं उनको प्रोवाइड करने की बात करें, और इसके साथ साथ जो जैसे आपका जो बिजली के बल्ब लगे हैं जगह जगह पर, LED लगे हैं, ये सब जो हैं इन सब के खर्चे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से सिरसा जिले को तो 3.5 करोड़ रुपया दे दिया था और फतेहाबाद जिले को 1.5 करोड़ रुपया दे दिया था तुरंत प्रभाव से। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मनरेगा का काम सभी जगह पर खोल दिया था और मनरेगा के जो हमारे लेबर क्लास है उनको सबको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उनकी पेमेंट आ जाएगी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो 31 जुलाई तक खुला है, आपके माध्यम से भी मैं बार बार कहना चाहूँगी, जिसका जो भी नुकसान है
चाहे एक सुई का भी अगर किसी का नुकसान है तो अपना वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के अंदर ज़रूर डाल दें, तो उसमें जो फसलों का नुकसान है वो भी डाल दें, जो पशु का नुकसान है वो भी डाल दें, और इसके अलावा किसी के मकान का नुकसान है तो वो भी डाल दें। कम से कम 550 के करीब जो है मकान उसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि उनका नहीं आया तो वो भी उसके अंदर डाल दें। सबको सर्वेक्षण करवाने के बाद, एक उचित तरीके से जो है उसकी इंक्वायरी करवाने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि सबको मुआवजा जो है जैसे जैसे हिसाब से बनता है वो सबको मिलेगा। इस बात में उन्होंने बार बार ये बात कही है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आप डाल दें, अभी समय है, 31 जुलाई तक खुला है, और जिसका जो भी नुकसान है उसका सर्वेक्षण करवाने के बाद उसको मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। देखिए विपक्ष जो है वो कुछ भी मांग कर सकता है, लेकिन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो एक प्राकृतिक आपदा आई है वो प्राकृतिक आपदा तो प्राकृतिक आपदा है, वो सरकार की तरफ से तो लाई गई आपदा है नहीं, लेकिन हमारा काम, सरकार का काम ये होता है कि एक कंधे पे हाथ रखना कि किसी को ये लगे कि तुम्हारे साथ इस बाढ़ की स्थिति में, इस दुख की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में, इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में कोई तुम्हारे साथ खड़ा। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी का नुकसान है उसका 100% जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो दिया जाएगा, लेकिन एक मदद होती है, एक जो है सपोर्ट होता है, वो सरकार पूरा करेगी उसमें, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं। 100% सरकार ने ये बात कही है कि आप अपना क्षतिपूर्ति पोर्टल के अंदर डालें तो उसमें आपका उसके हिसाब से मुआवजा मिलेगा, जिसका मकान का है वो मकान किस तरह से दुरुस्त हो सके ये सब बातें सुनिश्चित करेगी सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि हरियाणा में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। देखिए ऐसा है कि विपक्षी दल है और इतना पुराना दल है, इतनी पुरानी पार्टी है, तो मुझे ये लगता है कि जो भी वो कह रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो उनको यही दिखाना चाहिए कि आज से 9 साल हो चुके हैं, अभी तक तो संगठन ही तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी का, तो किस दम पर वो ये बात कह रहे हैं। हमारे तो जगह जगह पर पन्ना प्रमुख की बैठकें हो रही हैं, कल भी हमारे आदरणीय प्रभारी जी जो है वो मंडी डबवाली के पन्ना प्रमुख की बैठक लेने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग तो एक एक विधानसभा के अंदर पन्ना प्रमुख तक को मजबूत कर रहे हैं और उनका अभी तक संगठन भी तैयार नहीं है, और वो स्वप्न देख रहे हैं कि वो सरकार लेकर आएंगे या कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, तो मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं।